हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट आया है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पहले एक बार एग्ज़ाम हो चुका था, जो किसी कारण से रद्द हो चुका था, तो अभी वो एग्ज़ाम दोबारा होना है। इस पूरी डिटेल को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर लगभग 700 पद थे, तो इस पे 700 पदों पर ये फॉर्म मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तारीख आप यहां पर देख पा रहे हैं 21/5/2018 थी, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। और इसका एक बार एग्ज़ाम भी हो चुका था, जो लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था। तो अभी इसके अंदर दोबारा जो है एग्ज़ाम डेट इसकी घोषित की गई है, वो मैं आपको यहां पे बता दूं क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का दिनांक 19 सितंबर 2020 शनिवार, यानी कि आने वाली 19 सितंबर शनिवार को ये एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, जिसकी टाइमिंग रखी गई है सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, और ये विभिन्न जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजन इस परीक्षा का किया जाना है। दोस्तों, आगे देखिए, उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांक 12 सितंबर 2020 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, 19 सितंबर को होना है, और जो इसके अपने ई प्रवेश पत्र हैं वो 12 सितंबर से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दे दी गई है, इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें 12 तारीख से। दोस्तों, और आगे लिखा गया है, बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि अलग से प्रवेश पत्र दोस्तों इसमें नहीं भेजे जाएंगे। तो इसीलिए सभी अपनी तैयारी में जुट जाएँ। थैंक यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ।